एक तरफ जहां देश के अलग अलग राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है, तो वहीं मुंबई में कांग्रेस ने इसका काउंटर अटैक ढूंढ लिया है। मुंबई की सड़कों पर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मुंबई के विले पार्ले इलाके में मुंबई महिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल लगातार बढ़ती हुई महंगाई, सब्जियों और फलों के दामों को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं और सड़कों पर ही बैठ गई हैं। बहुत सारी महिलाएं सब्जियां लेकर आई हुई हैं, प्रतीक के तौर पर बता रही हैं कि इन सब्जियों की कीमत अब आसमान छू रही है। ये घर चलाने वाली महिलाएं हैं और आप देखें तो इनके हाथ में तमाम फल और सब्जी है और यह संदेश दे रही हैं कि किस प्रकार से सब्जियों की कीमत बढ़ी है और जिस तरह गले के हार महंगे हो गए हैं, महंगे होते हैं, उसी प्रकार से सब्जियों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि अब उसे माला के तौर पर वो पहनकर दिखा रही हैं। और महिलाएं चूंकि घर चलाती हैं तो उन्हें घर का बजट देखना होता है और इसीलिए महंगाई का मुद्दा लेकर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। हमारे साथ महिला कांग्रेस अध्यक्षा अनीशा बागुल जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, महंगाई को लेकर आप सड़कों पर उतरी हुई हैं, क्या कहना चाहती हैं? सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, हमारे आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, नेता डिसूजा जी, यहाँ भाई जगताप जी, उनके आदेश के अनुसार आज महिला कांग्रेस जो महिलाओं की समस्या है उसको लेकर रस्ते पे उतरी है। आप देख रहे हैं आज भाजी का भाव, गैस का भाव, तेल, दूध, दही, छोटी छोटी चीजें, और अभी तो ऐसे हो गया कि मेडिसिन पे भी जीएसटी है, दवाइयों पे जीएसटी है, कफन पे जीएसटी है। तो मोदी जी कहाँ लेकर जा रहे हो इस देश को? अभी तो महंगाई कम करिए। एक आम सामान्य महिला आज रस्ते पे उतरी है क्योंकि ये उनकी समस्या है, महिलाओं की समस्या है। तो आज से महिला कांग्रेस इस संघर्ष में रोजाना ये आंदोलन शुरू रखेगी। एक तरफ देश में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है और आप लोग महंगाई जैसा मुद्दा लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, जनता के बीच कितनी जगह बना पाएंगे? देखिए, ईडी ये तो उनका ही खेल है। ईडी आम गरीब को नहीं मारती, ईडी बड़े बड़े लोगों पे है। हम जो उतरे हैं वो आम गरीब महिलाओं के लिए, हर गरीब के घरों के लिए। कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी का साथ दिया है और आम आदमी के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। तो ये आम आदमी की समस्या है, इसके लिए कांग्रेस की महिला कांग्रेस सड़कों पे उतरी है। और ये जब महंगाई कम नहीं होगी तो ये हम उनके महिला जो नेताएं बन के बैठे उनके घर तक ये महिला कांग्रेस संघर्ष लेकर जाएगी। स्मृति ईरानी पर भी आप लोगों का गुस्सा बहुत उतर रहा है। अरे, यही तो स्मृति ईरानी जी है, सास भी कभी बहू थी, जो 306 का सिलेंडर था तो सर पर लेके घूम रही थी। आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? जब 1080 हुआ, बुलाइए स्मृति ईरानी जी को, कहिए आइए रस्ते पे, तब पता चलेगा सास और बहू क्या होती है। बिल्कुल, कह रही है कि सास भी कभी बहू थी और इसीलिए स्मृति ईरानी जब सिलेंडर सस्ता था तब वो सर पर लेकर ढूंढ रही थी, लेकिन अब वो नहीं है। हमारे साथ ये बहुत सारी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। सोने का हार ज्यादा सस्ता है या सब्जी वाला हार? सब्जी वाला ज्यादा महंगा है, अब सोना थोड़ा सस्ता हो रहा है, पर सब्जी में बहुत टैक्सेस बढ़ गए। हम ये मोर्चा इसलिए निकाला है क्योंकि ये महंगाई के खिलाफ, क्योंकि हम नहीं उठाएंगे आवाज तो कौन उठाएगा? ठीक है, हमारा ये संदेश मोदी जी तक जाएगा और अगर अभी भी कुछ कमी नहीं हुई हम और भी आगे जाएंगे। हम महंगाई के खिलाफ ऐसे मोर्चे निकालते रहेंगे। कांग्रेस सरकार हमेशा इसी चीज के लिए जानी जाती है, लोगों की हेल्प और मदद के लिए। ये सब्जियों की टोकरी लेकर आई है, कितने रुपए की सब्जियों की टोकरी मिली? इतनी महंगी हो गई, सोने का भाव सस्ता हो गया और ये सब्जी महंगी हो गई है। और स्मृति ईरानी को अब दिख नहीं रहा है, कांग्रेस की जब सरकार थी तो बाटला लेके बैठ जाती थी रस्ते पे। तो अभी हम लोग, अभी ये जो बीजेपी की सरकार है, इतना महंगा हो गया है, ये सब्जी इतनी महंगी हो गई, हर चीज महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का भाव, तो उसको शर्म नहीं आ रही है? अब हमारे लिए कौन लड़ेगा, महिलाओं के लिए कौन लड़ेगा? वो भी एक महिला है ना, तो हमारी महिलाओं की आवाज उठाना चाहिए ना उसको भी। बीजेपी सरकार को दिख रहा नहीं है तो इतनी महंगी हो गई है सब्जी? आप लोग तो सब्जियों को लेकर सड़कों पर बैठ गए, क्या मैसेज देना चाहती है लोगों को, जनता को? हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो सब्जी है और डीजल पेट्रोल के भाव है कम करो, नहीं तो फिर हम लोग को रास्ते पे चूल्हा जलाना पड़ेगा। जो हम लोग अब घर में चूल्हा जला रहे हैं, हम लोग को रास्ते पे जलाना पड़ेगा। मैडम, आप बताए, आपने यहाँ पे पूरा रेट काट लिया, कितनी महंगाई बढ़ी है, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है आम लोगों को? मुश्किल हो रहा है घर चलाने को, सिलेंडर होगा 1080 रुपए और हर सब्जी का दाम बढ़ गया है।
दाम बढ़ गए और सामान्य आदमी क्या करेगा। और महंगाई महिलाओं को तो बहुत तकलीफ हो रही है, महंगाई घर चलाना बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है और देखिए यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं घर की सब्जियों को लेकर यहाँ पहुंची हुई हैं और कांग्रेस जो पर्चे लेकर घर घर जा रही है उसमें कांग्रेस ये मैसेज दे रही है कि देखिए जो एलपीजी सिलेंडर साल 2014 में 410 रुपए प्रति सिलेंडर था वो अब 1053 रुपए हो गया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, सरसों का तेल घर घर की जरूरत है वो 90 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो हो गया है। आटा दूध दही इन सब पे जीएसटी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं जो हैं सड़क पर उतरकर मांग कर रही हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी है, स्मृति ईरानी के खिलाफ नाराजगी है और मांग कर रही है कि सरकार ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाकर महंगाई जैसे मुद्दों को दबाना चाहती है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।